नाक-कान गले में इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन सी बात है, तो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये पहचाने कि वो इन्फेक्शन वायरल है या बैक्टीरियल है। कुछ कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में अक्सर एक फीवर स्पाइक आता है, हो सकता है वो फीवर कुछ मिनट का हो, कुछ घंटों का हो या 3-4 दिन का हो, उसके बाद फीवर अपने आप चला जाता है। पर वायरल इन्फेक्शन में जो आपके लक्षण होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, और वायरल इन्फेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, आईज, नोज, थ्रोट, चेस्ट, कुछ भी इन्वॉल्व हो सकता है, इवन पेट भी खराब हो सकता है। जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजली लोकलाइज होते हैं, वो एक पार्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे, या तो फुंसी हो जाएगी या टॉन्सिल पकड़े जाएंगे या बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाएगा और बहुत गाढ़ा जुकाम होगा, तो ऐसे इन्फेक्शन बैक्टीरियल है। दूसरा तरीका उनको डिफ्रेंशिएट करने का ये है कि आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए। अगर ब्लड टेस्ट में अगर आपके काउंट्स बढ़े हुए हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स, और साथ में आपके न्यूट्रोफिल भी बढ़े हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। तो और वायरल इन्फेक्शन थोड़ा लंबा किस्त है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ठीक से ट्रीटमेंट लो तो वो टाइमली ठीक हो जाते हैं, पर वायरल इन्फेक्शन में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती।